फ्रेंड्स, आप सबने इंडियन पोस्ट में इन्वेस्ट करते होंगे और इंडियन पोस्ट का जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में चेंज होता है। हर क्वार्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से इस इंटरेस्ट रेट को चेंज किया जाता है। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा ये जो रनिंग क्वार्टर है यानी 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक इस क्वार्टर में कौन सा डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट रहेगा, सारा डिटेल के साथ बात करेंगे। जो भी डिपॉजिट्स होता है इंडियन पोस्ट में, सारी डिपॉजिट्स को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे वीडियो को नीचे जो सब्सक्राइब लिखा बटन है रेड कलर का, उसमें प्रेस कीजिए। साइड में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो इस चैनल पे मैं अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करने में आपको ज़्यादा फायदा होगा इंडियन पोस्ट में। फ्रेंड्स, आपके सामने एक पेज दिख रहा होगा जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाला गया है और मैं एक एक करके सारी इंटरेस्ट के बारे में आपको बात करेंगे। सारे जो प्रोडक्ट है इंडियन पोस्ट की तरफ से, जो भी प्रोडक्ट आता है सारी प्रोडक्ट को लेकर बात करेंगे। तो पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट यानी जो भी प्रोडक्ट है उसका नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट परसेंट फॉर अक्टूबर 1, 2021 टू डिसंबर 31, 2021, यानी ये जो क्वार्टर चल रहा है 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, तो इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नीचे डाला हुआ है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी यानी जो भी इंटरेस्ट रेट है वो किस किस टाइम पे कंपाउंड होता है वो सारा डिटेल यहाँ पे राइट साइड में डाला गया है। तो पहला जो होता है इंडियन पोस्ट की तरफ से जो प्रोडक्ट आता है वो है सेविंग्स अकाउंट। यानी सेविंग्स अकाउंट अगर आपके है इंडियन पोस्ट में तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है। और ये जो कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होता है, साल में एक बार इसको कंपाउंड किया जाता है। उसके बाद 1 ईयर टाइम डिपॉजिट, यानी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं इंडियन पोस्ट में 1 साल के लिए तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और वो क्वार्टरली आपको कंपाउंडिंग होता है। उसके बाद 2 ईयर्स टाइम डिपॉजिट यानी 2 साल के लिए अगर आप फिक्स्ड करेंगे तो उसके लिए आपको 5.5% सेम रेट इंटरेस्ट है, क्वार्टरली आपको कंपाउंडिंग मिलेगा। 3 साल के लिए करेंगे तो भी आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा और क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा। उसके बाद 5 साल के लिए अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। यहाँ पे देखिए 6.7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली, यानी अगर आप 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा रखेंगे तो आपको 6.7 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये ज़्यादा 1 साल, 2 साल या 3 साल से ज़्यादा है। तो उसके बाद देखिए 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए आपको 5.8% का रेट मिलेगा और ये भी क्वार्टरली आपको कंपाउंडिंग होगा। उसके बाद देखिए 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है, यानी जिसको SCSS बोला जाता है। अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और 7.4% है, लेकिन इसके लिए आपको आपका जो एज है 60 साल से अबव होना चाहिए, तब उसके बाद ही आप SCSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप SCSS के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के लिए है। और इसमें देखिए जो इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली इसको पेड किया जाता है। और उसके बाद देखिए 5 ईयर मंथली इनकम अकाउंट, यानी अगर आप MIs करते हैं, मंथली पे आउट लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसके लिए आपको 6.6% का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और उसके बाद 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर आप NSE करते हैं तो उसके लिए आपको 6.8% दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट, और उसका जो कंपाउंडिंग है वो एनुअली आपको दिया जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि PPF के नाम पे जाना जाता है, जहाँ पे आप 1 साल में 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं, उसमें आपको 7.1% का रेट मिलता है और वो ये भी एनुअली कंपाउंडिंग होता है। अगर आपका किसान विकास पत्र है तो उसमें देखिए 6.9% विल मैच्योर इन 124 मंथ्स, यानी आपका जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 6.9% है और इसका मैच्योरिटी है 124 मंथ्स में, और ये भी आपको एनुअली कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा। और जो लास्ट में है सुकन्या समृद्धि योजना, यानी अगर आपके फैमिली में 10 साल के नीचे कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसके नाम पे भी आप अकाउंट खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। तो इसमें आपको 7.6% का रेट मिलेगा और ये आपको एनुअली कंपाउंडिंग मिलेगा। देखिए इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट डाला गया है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना में है। तो आप चाहे तो अगर आपका गर्ल चाइल्ड है तो उसके नाम पर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, और उसमें आपको 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और ये एनुअली कंपाउंडेड है।
फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस के तरफ से जो भी प्रोडक्ट आता है उन सारी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा इस क्वार्टर में, तो सारी इंटरेस्ट रेट के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दिया। और आप चाहे तो इसको देख सकते हैं इंडियन पोस्ट का साइट में जाकर। आप एक बार, मेरा राय है कि इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने से पहले आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको सही इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चले। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको सारा डिटेल बताया कि कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको इंडियन पोस्ट में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आपका फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के ऊपर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपका सारे सवालों का जवाब 100% मिलेगा और जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।